तो दोस्तों देखिए ऐसा कुछ सजा है, दिन में पूरी तैयारी हो गई, शाम को मेला कार्यक्रम चालू हो जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपका एक बार फिर से वेलकम है मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज आप लोग गेस करोगे हम कहाँ जाने वाले हैं। त्यौहार का मौसम चल रहा है पूरा, मतलब समझ लो अक्टूबर से लेके अक्टूबर लास्ट तक पूरा त्यौहार ही त्यौहार है, दशहरा दिवाली सब कुछ है इसी में। तो आप गेस करो, और गेस कर लेना तो कमेंट में ज़रूर बताना, और नहीं गेस पा और अगर नहीं गेस कर पा रहे हैं आप तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज हम लोग जा रहे हैं राजरूपपुर के दशहरे के मेले में। तो इस टाइम अभी के बज रहे हैं 7:15, और हो सकता है आधे घंटे बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से। हम मैं तो अकेले ही जाऊँगा, मेरे साथ तो कोई नहीं है। तो जितना हो सकेगा झांकी और जो जो भी सजावट होगी आप सभी को दिखाएंगे। आप लोग बने रहिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और सबसे ज़रूरी चीज़ सपोर्ट भी करते रहिएगा। मिलते हैं आपसे, आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। तो दोस्तों ये मेला छठे से प्रारंभ होता है और छलवा तक पूरा जाता है पीपल गांव। और ये देखिए ये सब झूले लगे हुए हैं छोटे 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 बच्चों के। तो देख रहे हैं आप लोग मेला स्टार्ट हो चुका है, अभी मेला स्टार्ट नहीं हुआ, बस मान के चलिए 8:30 से स्टार्ट हो जाएगा, अभी ज्यादा भीड़ भी नहीं है। दोस्तों देखिए हम लोग कालिंदीपुरम पहुंच गए हैं, अभी हम लोग एक रिव्यू ले रहे हैं, मतलब बाइक से घूम रहे हैं, देख रहे हैं कहां कहां क्या क्या लगा है, उसके बाद जब मेला स्टार्ट होगा उसके बाद कभी आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों पुलिस की व्यवस्था बढ़िया लगी हुई है, और देखिए कितने सारे मेला को व्यवस्था अच्छी रखने के लिए, शांति भाव बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स जरूरी है। तो देखिए छोटे बच्चों के लिए खिलौना भी लगा हुआ है ढेर सारा, और कुछ ऐसा दिखता है मेला। तो दोस्तों आप सभी को बहुत लंबी आवाज आएगी मेले में। तो आ चुके मेला स्टार्ट हो चुका है और काफी तेज यहाँ पे गाने बज रहा है, बहुत तेज आवाज आ रही है, छोटे छोटे बच्चे झूले झूल रहे हैं। अभी चकिया पे हैं हम लोग, अब यहाँ से चलेंगे राजरूप इधर की तरफ, और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे।
किसी का कोई मेरा, जो चीज मांगी नहीं वो मिली, कर पाम क्या बस छीन दोस्तों। ये देखिए क्या किए अब ये दोस्तों जा रही इधर से होते हुए पूरा झलवा जाएगी ये सब देखिए यहाँ से। तो दोस्तों ये देखिए ये एक दूसरी झांकी निकल रही है। बाकी मतलब आप समझ लीजिए राजरूपपुर का मेला एकदम क्या ही बोलूं मैं, कुछ नहीं था ये, कुछ भी नहीं। बज रहे हैं 2:10, मतलब हम घर जा रहे हैं और मेले में कुछ भी नहीं था भाई। आप मान के चलो ना कोई झांकी दिखी, एक या दो झांकी दिखी, उसके अलावा कोई भी झांकी नहीं, मतलब कोई रौनक ही नहीं है। तो चलिए जितनी छोटी ब्लॉग होगी या जैसा भी होगा आपको दिखाएंगे और बताते चलेंगे। आप लोग बनिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। इस टाइम आप लोग देख लीजिए 2:10 हो रहा है, देख लीजिए बैक ऐसा कुछ सुनसान रास्ता दिखता है। 2:10 हो रहा है, कुछ भी मतलब मैं आप समझिए मैं 7:30 का निकला हुआ था घर से। मैंने कहा कि चलो यार अपने घर के पास का है, अच्छा शूट करेंगे, सब कुछ अच्छा दिखाएंगे, सब कुछ अपने तरीके से अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अपसेट हो गया हूँ हकीकत। पहले तो कलिंदीपुरम तक घूम के आया, उसका भी ओवरव्यू आपको स्टार्टिंग में मिलेगा कि कुछ नहीं था वहाँ। अच्छा तो मैं आपको बता रहा हूँ सिलेमसराय का धाकंदो का मेला था, ये दशहरे से अच्छा, मतलब मैं एक तरीके से समझ लो कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैंने तो बहुत वेट किया भाई, मैं 7:30 का घर से निकला हूँ, आप ये समझ लीजिए मैं कालिंदीपुरम का एक पूरा चक्कर मार के आया हूँ, कुछ भी मुझे नहीं दिखा। फिर मैं वापस आया, चेक किया, वहाँ से वेट किया, मुझे एक से दो झांकी दिखी, उसके अलावा कोई झांकी नहीं दिखी। बाकी पूरे मोहल्ले में लाइट बंद है, रात के 1:45 हो रहे हैं, तो कोई भी कुछ रास्ता दिखता है हमारे घर तक जाने के। यहाँ से लेफ्ट लेंगे हम लोग, घर जाएंगे, घर पहुँच जाएंगे। मैंने अपने तरफ से आप ये समझ लो पूरी कोशिश की आपको दिखाने की, लेकिन भाई अब मैं झलवा मान के चलो यहाँ से 8 किलोमीटर है, पैदल जा नहीं सकता और गाड़ी जाने नहीं दे रहे, तो 8 किलोमीटर मैं जा नहीं सकता। तो जितना पॉसिबल हो पाया आपको उतना दिखाया, बाकी जो एक दो झांकी होगी मैं आपको ब्लॉग में लगा दूंगा, आप लोग देखना। बाकी जो एक दो ब्लॉग एक जो सीन होगा झांकी का
वह मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगा, आप लोग देखना और बने रहना और सब्सक्राइब जरूर करना। अब इसके बाद तो डायरेक्ट दिवाली का ही ब्लॉग आएगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि इसके बाद अब कोई ब्लॉग बचा ही नहीं है। दशहरे का ब्लॉग पूरा ख़त्म हो चुका है यहाँ पे ऑन डेट टाइम। चलिए मिलते हैं आपसे, बने रहिएगा। जय हिंद।